बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसा कि आप मालूम है जेडीसी के जितने भी डायलिसिस सेंटर इस वक्त चल रहे हैं कराची में और अब तो सियालकोट में भी खुलने जा रहे हैं, मशीनों की पेमेंट हो चुकी है फ्रीजीनियस को और पाकिस्तान भर में, एक एक सेंटर का महीने का खर्चा करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी कि 12-13 करोड़ रुपए तो फिक्स हर महीने चाहिए। फिर जो लैब खुल रही है इंशाल्लाह अभी 4 दिन के अंदर उसका अफ्ताह है 6-7 करोड़ रुपए पर मंथ, जहां खून के तमाम टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होंगे। उसके अलावा जेडीसी ओल्ड एज होम, जेडीसी यतीम खाना, जेडीसी राशन, जेडीसी स्कॉलरशिप, जेडीसी फ्री आईटी सिटी जहां 10-10 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा जेडीसी स्कूल जहां बच्चों के टैबलेट्स आ रहे हैं, ये हर चीज मतलब इंटरनेशनल सतह की बिल्कुल मुफ्त, कब्रिस्तान मॉर्चरी सब बिल्कुल मुफ्त। इनके लिए महाना 20-22 करोड़ रुपए चाहिए, तभी मैं एक एक आदमी के दरवाजे पे जा रहा हूँ। हमारे बहुत रेगुलर डोनर जो जब गवर्नर से नहीं थे उस वक्त भी मिलियंस ऑफ रुपीस में जेडीसी को सपोर्ट करते थे और तमाम ही चैरिटीज को करते थे। आप जब गवर्नर बने तो आपने एक ऐलान किया, आपने बोला था कि मेरी जो भी तनख्वाह होगी वो मैं फलाईदारों को दूंगा, और अब तक जब से गवर्नर बने और आज तक की जो भी सैलरी थी उन्होंने उसका आज हमें देने का ऐलान किया। मैं आपको लेकर आया हूँ हमारे इंतहाई मोहतरम गवर्नर सिंह, अवामी गवर्नर सिंह जनाब कामरान खान टेसोरी साहब के पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाइकुम। कहिए सर। जी सर, मुझे खाली इतना बता दें, ये यॉर्ड होता है क्या चीज होती है? ये होती क्या चीज है बताएं थोड़ा सा लोगों को। ये एक यॉर्ड जो है वो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मैं बता दूं कि पिछले 8 महीने से, बल्कि 9 महीने जब से मैं गवर्नर बनाऊ, अभी तक मैं मरीना क्लब नहीं गया अपनी उस यॉर्ड को यूज करने के लिए, बल्कि बाकी भी कहीं नहीं गया, ना ऑफिस में गया हूँ ना। अच्छा, जो आपका ये बोर्ड का काम है उसमें भी आज तक नहीं गया ना? आज तक नहीं गया। आपसे बात करते करते ये मैं चेक साइन कर दूं, और ये मैंने चेक जैसा कि वादा किया था अपनी तमाम ही तनख्वाह इस गवर्नर हाउस की अब तक की, वो मैं हमारे मोहतरम जफर जेडीसी भाई के हवाले कर रहा हूँ, ताकि ये इसको अपने इस्तेमाल करें। मैं देखने वाले लोगों को बता दूं हम क्यों अवामी गवर्नर बोलते हैं कामरान साहब को। जिस वक्त जब जब भी मुश्किल हालात पड़े, जब ये गवर्नर बने थे उस वक्त सैलाब की सूरत हाल चल रही थी, गवर्नर बनने से पहले भी और चाहे कोई भी कोविड का टाइम चल रहा हो उसमें भी मिलियंस ऑफ रुपीस देते थे, सिर्फ हमें नहीं तमाम चैरिटीज को सपोर्ट करते थे। गवर्नर बनने के बाद भी बहुत सपोर्ट किया और इस वक्त भी, मैं जो 8 महीना भी गुजरा इस 8 महीने के अंदर, ये शहरी अफ्तारी कोई मजाक बात नहीं है। मैं जानता हूं हम 40-40 हजार लोगों को शहरी कराते हैं, करोड़ों रुपए बिल बनता है भाई। अगर किसी एक ठेकेदार को ठेका ना दो ना तो खड़े होकर झूठी वीडियो बना देता है कि जी वो तो मैं सब खुद ही मैं ही कराता था, और लोग उसको यकीन समझते हैं और सच समझते हैं। तो गवर्नर साहब को चाहे शहरी हो चाहे अफ्तारी हो, इस वक्त जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है जिस मीटिंग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप यकीन जाने अरबों रुपए के कोर्स एलियाने कराची को, एलियाने सिंध को फ्री में कराने के लिए, सिंध आईटी गेट का अफ्ताह होना कोई आम बात नहीं है, ये जिंदगी है सर। इससे पैसा आएगा पाकिस्तान में, डॉलर आएंगे, करोड़ों डॉलर आएगा। ये जो एक ही बच्चा 15 लाख कमाएगा तो मुल्क में लेकर कितना आएगा वो तो सोचे। तो मैं सबसे पहले सर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, ऐसे अगर आप देना चाहें कराची वालों को, पाकिस्तान वालों को। जी मैं बिल्कुल सबको यही कहूंगा कि एक दूसरे का हमें मसीहा बनने की जरूरत है और लोगों के काम आने की जरूरत है। हम रात दिन सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उनके पैरों पे खड़ा कर सके, चाहे आईटी कोर्सेज हों या इसके अलावा भी कोई कारोबार हो, क्योंकि नौकरियां तो इस पाकिस्तान में ये सूबे में मिलनी नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको हर वो चीज बताएंगे जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला कमाएंगे। बिल्कुल हिम्मत के साथ इस गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुले। कोई भी मेरा नौजवान भाई बहन भाई बड़े बुजुर्ग अगर कभी परेशान हो ना और झुंझलाट आ रही हो कि यार कुछ नहीं कर रहा हूं क्या करूं, तो सीधा गवर्नर हाउस आ जाइएगा, आपसे मिलूंगा भी, मशवरा भी दूंगा और इंशाल्लाह ताला आपके काम भी आएंगे। मैं एक दफा फिर देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा गवर्नर साहब के लिए दुआ करें, और पूरी दुनिया में आप कहीं भी पाकिस्तानी जेडीसी के साथ जुड़ते चले जाएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरह हमने पहली फ्री लैब बना रहे हैं ब्लड की, जहां तमाम खून के टेस्टों की मशीनें आ चुकी हैं, 8 अरब रुपए के करीब की मशीनें, हमारी पूरी कोशिश है हम एक पाकिस्तान में MRI मशीन भी मुफ्त में लगाएं। लोग 65 हजार रुपए का MRI नहीं करा सकते भाई, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी मैं आपको अच्छी खबर सुना दूंगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया।